ISO. Let's get it. Whoa. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. They thought I lost the snapping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that old. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होगे। तो मेरे पीछे खड़ी 2023 वरना, ये एक्चुअली पेट्रोल इंजन वाली है, नॉन टर्बो वेरिएंट है। एंड अगर इसके पावर फिगर्स की बात करें तो 113-114 बीएचपी समथिंग है। आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं इसका 0-100। लेट्स सी 0-100 कितना करती है। ज्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ 100 तक हम लोग चेक करेंगे इसकी टाइमिंग क्या रहती है। बाकी क्या जबरदस्त लुक लग रहा है भाई, प्रॉपर एक बहुत ही एक प्रीमियम सेडान वाला फील है इस गाड़ी में। और थोड़ा चला वाला के देखते हैं, एंजॉय करते हैं, 0-100 करते हैं। सबसे पहले, बाय द वे, ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाली है। जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो देखा उनको तो पता ही है। आ जाओ, बंद करते हैं। शिट, मस्त। सीट बेल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। इट्स टाइम फॉर 0-100। क्या बात है। तो ये इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस था। गाड़ी को हम डाल देंगे स्पोर्ट मोड में। तो यहाँ पे ड्राइव मोड है एंड इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। देखो हल्का हल्का कलर चेंज होगा, ये ब्लू एंड स्पोर्ट, दिस वन इज रेड। पीछे सब क्लियर है। लेट्स डू 0-100 इन 3-2-1। देखते हैं कितनी देर में पहुंचती है। क्या पुल कर रही है बॉस, जबरदस्त पुल कर रही है भाई। एंड हियर वी गो 400। बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। बीच में किसी का फोन आ रहा था, आई डोंट नो कौन फोन कर रहा था। तो उसके बाद अगर हम इसकी ड्राइव की और बात कर लें तो बहुत ही गियरबॉक्स, तो आपको पता है यार, देखो ह्यूंडई है तो गियरबॉक्स से कोई भी शिकायत नहीं है। बहुत ही बढ़िया शिफ्ट करता है अपने आप। बाकी इसमें आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। लास्ट वाले वीडियो में पेडल शिफ्टर्स दिखाना भूल गया था, लोग कॉमेंट कर रहे थे। तो इसमें आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। और आप ये देखो, अभी डाउन शिफ्ट हो रहा है पेडल शिफ्टर से, सेकेंड एंड थर्ड, फिर ये फोर्थ। एकदम ही सीमलेस वर्क करते हैं यार पेडल शिफ्टर्स, बिना कोई इशू के जबरदस्त वर्क करते हैं। और जब मैं लैम्बो चला रहा था तो उसमें अगर आप पेडल शिफ्टर को साथ में होल्ड कर लो तो वो न्यूट्रल हो जाती, तो आप रेफ कर सकते हो। अब इसमें कैसा है मुझे आइडिया नहीं है, वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अभी तो नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरा एक हाथ ही खाली है। तो इसकी ड्राइव एंजॉय करते हैं। डिस्प्ले बहुत ही फ्लूइडिक हो गया है, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाई दिया। एसी इज चिलर मैन, 10/10 एसी। इंटीरियर्स तो आप देख ही रहे हो भाई, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है ना कि जैसे एक्सयूवी का है वो, ये कलर तो एग्जैक्टली वही सेम है। स्टिचिंग भी वैसे ही सेम दी गई है, हर एक चीज़ एकदम सेम लग रही है। बाकी स्टेयरिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके जो क्रूज वाला बटन है वो मिल जाएगा, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। तो ये लेन अपनी ऑलरेडी मेंटेन कर लेती है, लेन कीप असिस्ट मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें आपका लगा है, तो कोई भी आपके राइट में आएगा, देखो लाइट जल गई, वाह वाह, थैंक यू दिखाने के लिए। ये टूसोन हमारे लिए थी, चेक करने आई थी लग रहा है। मजाक कर रहा हूँ। बाकी जो एम्बिएंट लाइटिंग है उसका वीडियो मैं अटैच कर दूंगा, मैंने पिछले वीडियो में भी ऐड कर दिया है। और गियर नॉब भाई आपको क्रेटा की याद दिलाएगा, बट बहुत ही प्रीमियम फील देगा। 120 वॉट 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, USB मिल जाएगा और टाइप सी, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं छोड़ा इस बार। ऑटो डिमिंग इन द रियर व्यू मिरर और सनरूफ, ये रही सनरूफ, भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये सनरूफ ओपन हो रही है, देख लो, सनरूफ भी काफ़ी डिसेंट साइज़ है। और पहले ही बता दूँ, सनरूफ खड़े होने के लिए नहीं होती है बाहर, वो बस थोड़ा सा मज़े लेने के लिए है कि आपको मौसम का मज़ा लेना है। अच्छा मौसम हो रहा है तो खोल दिया छत पर, तारे वारे देखने तो आप देख सकते हो, किसी को दिखा सकते हो। बाकी तो ज़बरदस्त है बॉस, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन हो जाएगा। चलते चलते अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका रेयर व्यू डिस्प्ले होगा। बाकी अभी रेडियो पे लगी है, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। बाकी यहाँ पे फ्यूल लेवल इंडिकेटर है, राइट साइड आपका जो हीट है उसका इंडिकेटर दे रखा है, और यहाँ पर आपका RPM दे रखा है स्पोर्ट मोड में डालने के बाद, तो और ज़्यादा रेड रेड बढ़िया खतरनाक लगता है। फिलहाल हम इसको अब नॉर्मल मोड में डाल देते हैं, अपना काम हो गया है, नॉर्मल मोड में लगा लिया है, कैमरा बंद कर देते हैं। और स्टेयरिंग का जो फील और फीडबैक है, 10/10 है, बहुत ही बढ़िया स्टेयरिंग दे रखा है इस गाड़ी में। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं प्लान कर रहा था कि इसका टेस्ट किया जाए जो पुरानी, इससे जस्ट पहले वाली जनरेशन वाली वरना है उसका। सो ये था नई वाली वरना का एक्सप्लेनेशन टेस्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाय द वे काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि नई वाली वरना ऐसी लगती है वैसी लगती है। मैं आपको एकदम जेन्युइन चीज बताने जा रहा हूँ। देखो पीछे से 10/10 है, साइड से जबरदस्त है, और जो इंटीरियर है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। आगे से काफी मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं और मुझे लगता है आगे से थोड़ा और बेटर करना चाहिए था ह्यूंडई को।
बट वही है ना, जब कोई नई चीज़ आती है थोड़ा टाइम लगता है इंसान को वो डिज़ाइन को ग्रो होने में इंसान के ऊपर। तो मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद लोगों को ठीक लगने लगेगी, अच्छी लगने लगेगी। टेंट सिचुएशन की बात करें तो आगे से मुझे भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगी। तो बाय द वे एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कोई छोटी कार लेने का। मुझे 5-door थार तो लेनी ही लेनी है, जब भी आती है उसका तो तब देखेंगे। देखो ये वाली थार प्रैक्टिकल नहीं है, इस वजह से मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। अगर प्रैक्टिकल होती कि सारी फैमिली आ जाए, सीट ना फोल्ड करनी पड़े, पीछे की सीट्स में एकदम जगह ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं अभी थोड़ा रुक जाऊंगा, बड़ी कार नहीं ले रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी अपना मॉन्स्टर ट्रक हल्क सफारी डाइकोर है, तो ऑलरेडी एक बड़ी कार है मेरे घर पे, इवन स्विफ्ट भी है। तो मैं एक ऐसी कार चाह रहा हूँ जिसको मैं हर जगह लेके जा सकूँ, शूट्स पे काम आ जाए मेरे। तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो मैं आपके आगे रखता हूँ, उसके बाद मुझे आप लोग बताओ कि क्या सही रहेगा। तो जो अपना पहला ऑप्शन है वो एक किया सोनेट, दूसरा ऑप्शन है वेन्यू है, और तीसरा ऑप्शन है कि मैं 2-wheel ड्राइव वाली थार ले लूँ। फिर वही बात आ जाएगी कि यार पीछे बिल्कुल बूट में स्पेस है नहीं, कुछ सामान नहीं रख पाएंगे, किसी को भी पीछे बैठना है तो सीट फोल्ड करो, बड़े जाम है यार। तो अब इस दुविधा से, इस सिचुएशन से मुझे आप लोग थोड़ा निकालो और आप बताओ जो मेन ऑप्शन अपने पास है वो किया सोनेट और ह्यूंडई वेन्यू। तो सोनेट थोड़ी सी ज़्यादा मस्कुलर लगती है, थोड़ा ज़्यादा लॉन्डो वाला फील आता है, और अगर मॉड ऑर्ड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगी आई गेस। और अब अपनी जनता ही बताए यार कि क्या करना चाहिए, कौन सी कार ज़्यादा बेटर रहेगी। बाकी पेट्रोल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ बिल्कुल भी, बिकॉज मेरी जो रनिंग है वो बहुत ज़्यादा है, दिन की गाड़ी 100-150 किलोमीटर्स करेगी शहर में ही। तो डीजल लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, और डीजल ज़्यादा सही भी रहता है, मुझे डीजल गाड़ियाँ पसंद है। जो टर्बो लैग के बाद जो पावर आती है वो ज़बरदस्त लगती है मुझे। तो जैसे कि आपको पता है मोस्टली ब्रांड्स ने सारी डीजल गाड़ियाँ बंद कर दी, तो अपने पास जो चॉइसेस हैं वो बहुत ही कम बची है। अभी बस यही चल रहा है कि थोड़ा पैसा आ जाए, उसके बाद 1-2 महीने के अंदर ही एक कार उठा लेते हैं छोटी, डेली चलने के लिए, डेली भगाने के लिए। एंड प्रोजेक्ट आरएस के लिए भी आप लोग को थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ, कहाँ पे काम पहुँचा, क्या हुआ है। एक्चुअली मैंने ड्यूक 390 दी थी आश्रय के भाई को, जिसे मैंने डोमिनेर 400 लिए, जिसका इंजन हम स्वैप अप करने वाले। तो ड्यूक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो 2 दिन से रात में महानगर से मुझे गोल सिटी जाना पड़ा। एक्चुअली बाइक थोड़ा ड्यूक में प्रॉब्लम आ रही थी, ड्यूक वापस लाया, ड्यूक में वो पार्ट चेंज कराया जिसके हल्का सा एक इशू आ रहा था, उसके बाद ड्यूक वापस दी, डोमिनेर वापस लाया, तो ये सारे काम हुए। तो देखो काम तो ऑलमोस्ट शुरू हो ही चुका, और मुझे लगता है हफ्ता भर 10 दिन में अपनी जो आर एस 400 है वो एकदम बन के तैयार हो जाएगी। मुझे पता है काफ़ी लोग एक्साइटेड है, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का, और काफ़ी लोग चाह रहे हैं अपनी आर एस 400 को भागते हुए देखना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी जो भी अपडेट रहेगा इंस्टाग्राम पे मैं आपको दे दूंगा। सो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया फॉलो जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय।